है हिंदुस्तान का दिल, दिल्ली। दिल्ली जैसे बड़े शहर में या तो लोग उठ जाते हैं या उठ जाते हैं, जैसे हमारे ईश्वर सिंह चौहान। ये पहले तो जिंदगी में खुद उठे और फिर उनके बेटों ने उनको जिंदगी से उठाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। एक दिन में 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं और हॉस्पिटल में पड़े हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बाप होना पाप है। मिलिए इनके पहले पाप से, मतलब बेटे से। अब्दुल। हाँ भाई। बोनेट खुला है। बाप रे। ये है हैरी, आशिकाना मिजाज का मालिक। अपना दिल आस्तीन में लेके घूमता है और सबको बांटता है। जी, मेरा नाम सारा है। सारा, कितना प्यारा। What? I mean, आपका नाम सारा हो या बहुत सारा, इतना सारा गुस्सा क्यों? What nonsense? मेरा इतना सारा? सारा? I mean, I'm talking about my bill. It's too much. Look at this. See? ओ सारा, ये तो वाकई बहुत सारा है। Of course. कुछ कहोगे? आप ही कह दीजिए ना। हाँ? अब्दुल। जी भाई। मेम का बोनेट खुला है। क्या? बोनेट। You guys are mad. अब्दुल। Idiot. क्या? क्या ये? तेरे को शर्म नहीं आती? मेम साहब को इतना सारा बिल देते हुए? क्या ये सब? आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? I mean, सारा, ये जो इतना सारा बिल है, आपके हिसाब से कितना सारा कम होना चाहिए? 3,000. तो आप उतना ही पे कीजिए ना। ये बिल क्या चीज है? ये दिल भी आप ही का है, इसे भी लेती जाइए ना। What? अब्दुल। हाँ भाई। तूने बताया नहीं यहाँ पे स्कीम चल रही है, बिल कम करने पर दिल एकदम फ्री, 100% ऑफ। रितु, yes. इनसे कह दो कि सारा को फ्री की चीजें पसंद नहीं है। अब्दुल, दर्द दे गई। तेरी सारा। जैसे वीर सारा, कमीने, तूने कहीं इनकी गाड़ी ठीक तो नहीं कर दी? आई आएगी, वापस आएगी, पिस्टन खराब कर दिया है मैंने। और इसी तरह लोगों की गाड़ियां फ्री में ठीक होती गईं, लेकिन इनकी अपनी जिंदगी के कार्बोरेटर में कचरा आ गया और उसका नतीजा ये हुआ कि बाप का इंजन खुल गया। अरे भाई, आप यहाँ बैठे? मैं तो आपको पूरे शहर के बियर बार, डांस बार, शराब खाना, जुआ खाना हर जगह ढूंढाया और आप यहाँ बैठे। ये है इनका दूसरा झटका, आई मीन बेटा इंदर। बनता है समझदार और है छचुंदर। उठ, निकल यहाँ। तू तो पहले ही मुझे 10 लाख की टोपी नहीं, ताज पहना चुका है। जो बीत गया वो बात गई, क्यों पुराने कपड़े खोद रहे हो भाई? क्या मैं कबर खोदूं? मेरा कहने का मतलब है, तीनों भाइयों में आप ही समझदार हो। ओ हेरी भैया, उन्होंने तो आशिकी के चक्कर में अपने गैरेज की पूरी लंगर लूट ली। वीरू भैया को कुछ आता नहीं, एक आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। और ये तो मुझे भी मालूम है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, काम बता क्या है? भाई, चांद जैसी जमीन लाया हूँ। जमीन पे जो नदी बहती है ना भाई, ऐसा लगता है जैसे उसमें दूध बह रहा है। क्या बात कर रहा है? तुम्हारी कसम। और उस पर जो बेरी का पेड़ है ना, उसमें बड़े बड़े सेब लटके हैं। हाँ, और मिट्टी तो मक्खन जैसी है भाई। एक बार भूख लग रही थी, मैंने ब्रेड पे लगा के खा ली, अभी तक स्वाद बाकी है जबान पर। तू सच कह रहा है? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये जमीन मुझे मालामाल कर देगी? कर देगी। चले मिश्रा के पास, 25 लाख देने। लगा देते हैं 25 लाख, चल। ये था 25 लाख का हार्ट अटैक, वो भी एक ही दिन में दूसरा। पर हिंदुस्तान में बाप होना तो पाप है ना। ये इनका तीसरा दिल का दुखड़ा, मतलब दिल का टुकड़ा, वीरू। डैडी। क्या? वैसे डैडी, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। मतलब तू मेरे कपड़े उतार के मुंबई के चोर बाजार में उनकी दुकान लगाएगा? अरे नहीं डैडी, ऐसी बात नहीं है डैडी, सिर्फ 30। 30 क्या लड़कियां? अरे नहीं डैडी, सिर्फ 30 लाख रुपए चाहिए।
मेरी दुबई जाने की ना पूरी सेटिंग हो गई है। 30 लाख? तुम तीनों ने मिलकर क्या हालत कर दी मेरे दोस्त की। चलो इधर आओ, माफी मांगो इनसे। रुको डॉक्टर, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। जिस घर में हम रहते हैं वो भी गुप्ता के पास गिरवी रखा हुआ है। लो बेटा, फिर भी मैंने तुम्हारे अच्छे दिनों का इंतजाम कर दिया है जाने से पहले। ये हुसैनगढ़ में एक बड़ी सी हवेली के कागजात हैं, ये तुम्हारे नाम पे कर दिया। इसको अपने पास रखो या ऐसे भी नीलाम कर दो। अब जाओ यहां से। डैडी! तुम्हारे बाप ने अपनी बॉडी रिसर्च सेंटर को दान दे दी है। अब तुम लोगों को अंतिम संस्कार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो गया? क्या गया? मैं नहीं जाएगा भाई। क्यों? अरे क्यों? हमारा बीवी किसी के साथ भाग रही है। तो? क्या हुआ? अगर मैं क्या सही वक्त पे नहीं पहुंचूंगा तो दूसरी टैक्सी पकड़ कर चली जाएगी। अरे भैया, लेकिन आपने जो 5,000 रुपए एडवांस लिया है उसका क्या होगा? वो तो पूरा हो गया। पूरे हो गए मतलब? थोड़ा ही दूर है, चले जाओ। हुसैनगढ़ थोड़ा ही दूर है। कितना दूर है? 300-400 किलोमीटर ही है भाई। 300-400 किलोमीटर?
अब क्या करें? अबे ओए 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 अब क्या करें यार? चलो एक काम करते हैं, चिड़िया उड़ी खेलते हैं। आओ चिड़िया उड़ी, यहाँ रोड पे आओ तो सही। चिड़िया उड़ी, उड़ी तोता उड़ा, उड़ा मैना उड़ी, उड़ी कौवा उड़ा, उड़ा बुलबुल उड़ी, उड़ी इंदर उड़ा। तुमने उड़ा भैया? तुम नहीं उड़ा। अबे ओए सरदार फसा, चिड़िया उड़ी। अबे ओए पटाखे के जले हुए छिलके। आपने आपने उड़ा? नहीं आपने उड़ा? नहीं 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 तोता उड़ा, कौवा उड़ा, बैल उड़ा। बैल नहीं उड़ता भैया, आया भी नहीं। ये है ना बैल, है ना हमारे सामने। फिर शुरू कर, शुरू कर। चिड़िया उड़ी, रखो रखो हाथ रखो। चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, सरदार जी उड़े। सरदार जी, सरदार जी नहीं उड़ते। भैया आराम, भैया 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 भैया, आखिर तुम लोग को मेरी कटी मिली थी खुदकुशी करने के लिए। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? कौन है बे? ओए सरदार जी, जान जाओगे तो जान से जाओगे। देखिए सरदार जी, हम बहुत ही शरीफ लोग हैं, अच्छे खानदान के हैं। हम कभी किसी को सताते नहीं, हम कभी किसी को परेशान भी नहीं करते, हम तो अपने अपने रास्ते चलते हैं सरदार जी। बड़े बोल से तौबा सरदार जी, हम बहुत ही शरीफ लोग हैं सरदार जी। अब चलें, गाड़ी में बैठे हैं, एक्सीलेटर दबाइए, गियर बदली और छोड़ दीजिए। ओए तुम लोग क्या बावले हो गए हो? सरदार जी, हमने सुना है कि सरदार लोग ना बड़े अच्छे लोग होते हैं। हमारे डैड कहा करते थे, अगर सरदार लोग नहीं होते ना हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान कितना सूना सूना लगता। ओए तुम लोग बड़े बदमाश हो हैं। ओए चलो जी, चलो भाई गाड़ी में बैठ जाओ। ओए सरदार लोग नहीं होते तो हिंदुस्तान कितना सूना सूना लगता जी। बात तो सही कही है। यार चलते चलते साली रात हो गई यार। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हाँ जी। देखो 2 करोड़ तो गुप्ता को देने ही देने हैं। वो तो है भैया, बाकी हमारे। अरे भैया, मैं तो इन पैसों से सबसे पहले एक शहर में बड़ा सा फ्लैट लूंगा और बाकी पैसों को डालूंगा बैंक में और करूंगा ऐश। अरे ना होगा काम, ना काम की टेंशन। वाह मेरे हीरो। अरे भैया, हम तो फिल्म के प्रोड्यूसर बन जाएंगे। इससे पूछते हैं। अरे भाई साहब, ये ठंडी हवेली किधर है? हम पान वाले से पूछो यार। पान वाले? पान वाले से? पान वाले से पूछते हैं। चलो। संभाल संभाल। ओ हसीना हो। अरे ओ दीवानी नवाबजादी। हेलो, इतना बड़ा चश्मा लगाया और गाड़ी नहीं रोक रही? ये तो वापस आ रही है। अरे तुम यहाँ कैसे? चढ़ जा बेटा, ये फिर से बिल पड़वाएगी। जाने मन, मैं यहाँ ऐसे। हैरी, राइट? तुम्हें तो मेरा नाम भी याद है। अरे पर तुम यहाँ का सर के नापते फिर रहे हो। अरे मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम यहाँ कैसे? यू नो, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा, फिर मैंने सोचा। सोच तो तुम भी रही होगी मेरे बारे में। सोचा ना? नहीं, मैंने नहीं सोचा। बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं सोचा यार, बस गाड़ी के बारे में सोचा होगा ना। गाड़ी कैसी है तुम्हारी? अरे मैं यही तो बोल रही थी, कितनी गाड़ी में प्रॉब्लम है, कैसी गाड़ी ठीक करके दी है तुमने? तुम एक काम करो, मेरा फोन नंबर ले लो। बोलो। 810-915-3100000। इतना लंबा नंबर? सारा, ये सारा नंबर मेरा ही है, है ना? I'll call you. Bye.
सुनो सारा, अरे सुनो, सॉरी भाई साहब, ये ठंडी हवेली किधर है? नहीं नहीं खत्म हो गई। खत्म हो गई? खत्म होगी मतलब? अरे खान शाम को आना, मिल जाएगी। अरे मदहोश, होश में आ, बहुत ठंडी हवेली का पता पूछ रहे हैं। अरे खान अम्मा मियाँ 50 लोग खड़े हैं, अब हम किस किसी बात का जवाब दें? मियाँ ये पान की दुकान है, पान की समझे, कोई रेल रोजगारी नहीं है। पत्नी का पेट दुख रहा है और घोड़ा दिल में ला रहा है। अरे भैया क्यों परेशान कर रहे हो, पता तो बता दो यार। यहाँ से सीधे नीचे आके ऊपर मुड़ जाना, लो आ गई ठंडी हवेली। क्या बात है यार, ब्यूटीफुल गॉड। यार डैड तो बहुत समझदार निकले। डैडी ने हवेली में हमारी सिक्योरिटी के लिए कुत्ता रखा है। सलाम बारी भौंक रहा है ये। दैट्स बैड, वेरी बैड। साले गब्बर कुत्ते कमीने। अरे ये गब्बर, चल 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 चल। एक आदमी ने अबे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? अबे तू बंद कर दे। बस इतना ही? अरे ये डैडी ने कैसे नमूने पाल के रखे हैं। ओए रख नीचे। ओए क्या परेशानी है, तू ये अंदर कैसे आया हैं? आजा। अरे वाह आप भी है, आइए आइए आइए। अरे घबराए नहीं, मैंने उसे बांध दिया है, आइए। बताइए क्या तकलीफ है, बताइए बताइए, आपको क्या तकलीफ क्या है? अरे आप है कौन, कहाँ से आए हैं, किसे मिलना है, क्यों मिलना है, कितने देर मिलेंगे? आप चाय तो नहीं पिएंगे ना? वैसे आपकी शक्लों से तो लगता नहीं आप चाय वाय के शौकीन हो। चलो बस पकड़ो, चलो चलो चलो। तकलीफ? अबे तू क्या डॉक्टर है जो हमसे तकलीफ पूछ रहे हैं? आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता ना। यार, हमारे बाप का नौकर तो बड़ा समझदार लगता है। बस्कर कुत्ता है? अरे कुत्ते बस्कर, इसकी बहुत ही गंदी आदत है, अब जो कोई आया हो चाहे शरीफ हो या बदमाश, सेठ हो या भिखारी, अरे अब कोई शरीफ अपनी ऐसी तैसी करने या आया है तो सूखे भूख रहा है, हैं? हम कुत्ते? अबे ये क्या कुत्ता बना है बे? अबे चुप, ये फालतू बातें बंद कर, हमारा सामान उठा और अंदर चल। और हाँ हमारा खाने पीने और नहाने का कुछ इंतजाम तो कर। ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे इस हवेली का मालिक हो? अबे हाँ हाँ हम ही तो हैं इस हवेली के मालिक, अभी तक तो हमें पता नहीं था कि डैडी ने हवेली हमारे नाम कर दी है। ना ओढ़ना ना बिछोना, बीच में सुला लो। अबे तू है कौन, तू है कौन बे? जान जाओगे तो जान से जाओगे। अबे डैडी यहाँ 4 दिन आए क्या? नहीं तू अपने मालिक को ही भूल गया, हमारा खाना खा खा के तू गधे जैसा हो गया है। ओ बेटा छोटी पेंट, नाम क्या तेरा बेटा, नाम बोल। ए, पहली बात तो ये मैं तुम्हारे बाप का नहीं खा रहा, और दूसरी बात इस बंदे को बावले कहते हैं। क्या कहते? बावले। और तीसरी बात, इस हवेली के मालिक है मिर्जा किशन सिंह जोसेफ, जो हमारे मालिक है। अरे उनको देखोगे ना तो आपकी हवा खराब हो जाएगी, बेवक कपड़े उतार के धोने पड़ेंगे। अगर देखने का शौक है तो चलो बुलाते हैं। चुप सरकार। हुजूर हुजूर, 3 लंगूर, वो कह रहे ये हवेली उनकी है।
देख लो ये है हमारे मालिक निर्धा किशन सिंह जोसेफ या है। मुझे तो लगा था ये तीन चार लोग होंगे, ये तो एक ही निकला, मिर्जा किशन सिंह जोसेफ वन पीस। बदतमीज अभद्र मैनरलेस, हमारी बंदूक लाओ। बंदूक लाओ। हम मिर्जा किशन सिंह जोसेफ हैं, इस हवेली के मालिक। बावले हुजूर, इनसे कहो खाना अभी पका नहीं है, आगे जाएं। और अगर ना माने तो इन पर कुत्ता छोड़ दो। दिमाग खराब कर दिया। हुजूर बात समझिए, ये हवेली उन लोगों की है। ये डैडी ने हमें कहाँ फंसा दिया? अरे मुझे तो लगता है बुड्ढे ने हमें जानबूझ के यहाँ भेजा था, वो तो हमें नकारा समझता है, और ये आदमी राक्षस लगता है। हुजूर आप वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था अब आप रहेंगे कहाँ। भैया भैया मत चलाओ गोली, मत चलाओ गोली इस बेवकूफ। अबले इधर आ, जाकर उन तीनों नमूनों को अंदर लेके आ। हाँ जाओ। अभी बोलो तो सालों को। अरे भैया हवेली खाली करानी है, कोई खुदकुशी नहीं करनी है। ए डरपोक चुप। आओ सरकार ने तुम लोगों को ऊपर बुलाया, आ जाओ। सरकार ने बुलाया है, डर गया, चलो आओ। सरकार ने आप लोगों को बुलाया, आ जाओ। ए आलू बुखारे कहाँ जा रहा है? नीचे उतर, चल नीचे उतर, चल आ नीचे। आजा आजा चांद के टुकड़े कहाँ चला, आजा। लो आ गया। अरे वाह हवेली तो बड़ी अच्छी मेंटेन की आपने। हाय बाथरूम किधर है? बाथरूम तो बेटा मैं तेरा यही निकालूंगा। वाह हेलो उड़ा दो। यहाँ क्यों आए हो? पहले तो आप ये बताइए कि ये इतनी कमीनी शक्ल का कुत्ता आप लाए कहाँ से? अच्छा तो मेरा कुत्ता आपको कमीनी शक्ल का नजर आ रहा है या? और मेरी शक्ल के बारे में आपका क्या ख्याल है? बुरा मान गए। एक्चुअली ये जो हवेली है ना ये हमारी है, हमारे पिताजी ने इसे हमारे नाम पे कर दिया। बट आप यहाँ कैसे, आई मीन हैं कौन? अबे साले तू कौन है? जान जाओगे तो जान से जाओगे। ये लंगूर तो बिना गोली मरेगा। भाई माफ करना, आप लोग इस हवेली के मालिक हैं, मुझे मालूम नहीं था। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए तशरीफ रखिए, आइए बैठिए। बाबले हुजूर इनको नाश्ता वगैरह चाय ठंडा पूछो। हाँ जा नाश्ता पानी लेकर आ। चाय नाश्ता पानी। और सुन कमरे में रख दे। बेटा छोटी पेंट मेरा है, कहाँ रखेगा बोलो? मास्टर बेडरूम। अरे मास्टर बेड। और हाँ अपने कुत्ते को भी समझा देना कि हम कौन हैं। कुत्ता खुद समझा देगा। अच्छा तो ये हवेली आपकी, चलो माना, क्योंकि मैं आपको पहचानता नहीं इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास इस हवेली के कुछ कागजात वगैरह। तो ये आपको पहले बोलना चाहिए था ना। तो आप बोल दिया ना। ले बेटा कोटी चवन्नी, इस छोटी पेंट के हुजूर को इस हवेली के डॉक्यूमेंट दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। गोल 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 गिन कितने हैं? एक दो तीन चार आधा साढ़े चार। साढ़े चार इस विशाल वैभवशाली आलीशान हवेली के कुल मिलाकर यानी टोटल 4.5 पुर्जे हैं। बावले हुजूर हमारा संदूक लाओ। अरे वो बड़ा संदूक, पहले बंदूक अब संदूक। अरे मेरा संदूक जा, संदूक जा। लाओ। दूसरा राम दादा कौन है? हेलो
अबे कौन मर गया, किसको कब ले जाएंगे? कब ले जाएंगे? अरे तू है कौन कमीने, जब देखो फोन करता रहता है कब ले जाएंगे कब ले जाएंगे। एक बार तो मेरे सामने आ जा अगर अपने बाप की औलाद है तो। कब ले जाएंगे? तेरे और तेरे बाप के सामने तेरी अम्मा को ले जाएंगे सुबह 8:30 बजे। अब फोन मत करना। रखो रखो इधर रखो। दे ओए तू हट इधर, बोलो इधर। हुजूर इस संदूक की गुस्ताख चाबियां आपकी कमर शरीफ पे चलवा अफरोज है। भैया मुझे तो लग रहा है यहाँ कोई अफरोज भी जलवा दिखाने वाली चुप, है। चुप। ये देखो ये लो, तुम्हारे पास सिर्फ 4.5 पुर्जे और मेरे पास इतने। देखो चांद के टुकड़ों। ए और इतने सारे पेपर्स। चलो जा बाबले। हुजूर इन पे कुत्ता छोड़ दो। मसाला कौन सा मसाला? भैया मेरा नाम है मसाला। भैया कैसे नाम है भैया मसाला? कैसा क्या नाम है? अबे नाम तो नाम है। साले तू चाट मसाला हो, चना मसाला या साले कोई जीरा मसाला? तू ये बता तू पके हुए आम की तरह ऊपर से कैसे टपका? क्या बताऊं साहब, मैं तो अच्छा खासा घर पे खाना पका रहा था। खाने लहसुन प्याज धनिया मिर्ची गरम मसाला छोटी इलायची बड़ी इलायची जोंडा इलायची लाल मिर्ची दालचीनी काली मिर्ची दालचीनी बड़ा जीरा खड़ा जीरा सड़ा जीरा पिसा जीरा आमा हल्दी चोट छलजी मैंने तो सब कुछ डाल दी थी उसमें। अबे तू तो साले पूरे मसाले की दुकान है, तू ये बता तू ऊपर से कैसे टपका? अरे कैसे टपका वही तो बता रहा हूँ मैं। खड़ी इलायची सफेद नमक नोतोना नमक डरटा नमक बाटा का नमक बाटा का नमक हमारे घर भी तलवारें हैं। हाँ तो सब कुछ डाल दिया था मैंने लेकिन हरा धनिया और नींबू वाली हरी हरी प्याज। अरे बताता हूँ ठहरो तो मैं अपनी साइकिल पे जा रहा था। अबे हाँ हाँ आगे बढ़ आगे बोल मेरे लाल, तू साइकिल पे जा रहा था फिर? तो मानो ऐसा लगा भैया कि किसी ने गरम तेल में पानी का तड़का मार दिया हो और मैं मच्छी की तरह बिलबिलाता हुआ हवा में ऊपर। अबे ओ मसालों की औलाद, चले तू तू फिर पटरी से उतरा? नहीं नहीं भाई जान, मैं तो कभी पटरी से नहीं उतरा, मैं तो साइकिल पे चला जा रहा था, अचानक टायर फटा और मैं कुकर की सीटी की तरह हवा में उड़कर पेड़ पे जा लटका। इतने में आप लोग बिचारे किस्मत के मारे कुत्ते के घसीटे हुए मिर्जा के सताए हुए पेड़ के नीचे आके बैठे। पेड़ ने मुझे झटका और मैं आप लोगों के बीच में पके हुए आम की तरह आ टपका। तू मिर्जा को जानता है? अरे जानता हूँ। तुमको कैसे पता कि मिर्जा ने हमें दौड़ा दौड़ा के कुत्तों से हालत कर दी है? भाईजान हुआ यूं, मैं तो अपना खाना पका रहा था। अबे तू चुप कर चुप कर। एक बोल रहा है कि बोल, तू कह रहा है कि चुप कर। पहले डिसाइड करो, तुम लोग मेरा नमक कूटने पे लगे हो। मेरी बात सुन, तू हमारी क्या मदद कर सकता है? इस हिटलर की छठी औलाद से हवेली खाली करवा देगा? भाईजान मैं मदद तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन ऐसा आइडिया दे सकता हूँ कि हवेली का हवेला खाली हो जाएगा। मैं जहाँ काम करता हूँ ना, हाँ बहुत बड़े वकील है, आशिक अली एडवोकेट तलाक स्पेशलिस्ट। मुबारक हो, घर मिला। अबे लौंडो को तलाक मिला। हाँ बिट्टू क्या कहा? नहीं बेटा वो तुमने फर्ज था। एक मिनट रुको जरा, सुनो जो पैसे बाकी थे ना भेज दो यार, ठीक है? हाँ भेज दो। वकील साहब हाँ? मुझे मेरा घर मिल जाएगा ना? अरे तुमको अपना घर 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 मकान मकान चाहे बोलो, जरा चाहे बोलो। इस्टे तो करो,
मेरा मतलब स्ट्रे तो करवा दो। पहले हाथ हटाओ। तुम भी आदमी किसी काम के नहीं हो, समझ रहे हो कि नहीं? 50 मरतबे बोले कि उस पहलवान को अदालत में मत घुसने दो। क्या? गुंडा भेज के रोक दो। गुंडा? हेस पार्टी का केस बनवा देते हम, लेकिन आप दाढ़ी बना करके देवदास बने। बताओ इनको, कमजोर आदमी का कानून भी मदद नहीं करता, उधर क्या देख रहे हो? चाचा गया। वकील साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये मेरी होने वाली वाइफ है। अरे प्रणाम। आज आपने मुझे बुलाया था ना, और आपने कहा था कि मैं ये शादी करवा के रहूंगा। अच्छा, आज आपकी शादी है? जी वकील साहब। चाचा आज के बिस्कुट चाय का पैसा यही देंगे। शादी इनके। हेलो बोलो। हेलो। हेलो बोलो। हाँ वकील साहब, आपने कहा था कि आज किस से भी करके मैं ये शादी कराऊंगा। आज आपने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था ना। हाँ बिल्कुल होगी शादी, लेकिन हम ना आपसे ना। अरे आप तो वही है ना जो भाग गई थी, है? हम करवाएंगे तुम्हारी शादी, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, हमारे पास एक पैकेज डील है, समझ रहे हो? मैं समझा नहीं वकील साहब, पैकेज? देखिए डील का ये है कि शादी के मैं 5,000 लेता हूँ, तलाक का तो तुमको मालूम ही है पिछली बार 10,000, आपसे टोटल हम कम करके 12,000 लेंगे बस। वकील साहब 12,000 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अब थोड़ा बहुत कुछ कम कर सके मेरे लिए तो प्लीज। पूछो तलाक में कितनी मेहनत होती है, कितना सामान दिलवाया तुझे, घर दिलवाया है, गाड़ी दिलवाई, जमीन दिलवाया, सब कुछ दिलवाया इसको 10,000 में। चल तेरे लिए 11,500, ठीक है? जी वकील साहब। करवा देना, क्या बोलती हो, है? चलो आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ, इसको अपना ही घर समझो, अपने बाप का घर समझो, जा चाहो लेट जाओ, जा चाहो बैठ जाओ। अरे खड़े मसाले की तरह चौकट क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, मैं तो चिकन में किचन और रोटी पका रहा हूँ। आधा नमक, सीधा नमक, सौंधा नमक, टेढ़ा नमक, पाटा का नमक, टाटा का नमक, समेला, सफेद मिर्ची, देख मसाला, दिमाग का दही मत कर, तू जल्दी से अपने वकील साहब से मिलवा दे। ऐसी भी क्या जल्दी है, कौन से तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं? अरे भैया खाना करो। अरे खाना माना खा लो, कुत्ते की तरह जमाने बाहर चली आ रही तेरी। मैं खाना लगाता हूँ, मैं खाना लगाता हूँ, आशिक भाई आते होंगे, आप चिंता मत करो। मसाले, ओ मसाले, राजा भोज कहाँ से पकड़ लाए इन फकीटों को, देख कितनी बुरी तरीके से खा रहे हैं मेरे मेहनत की कमाई, देख। ओ हेलो, ये फकीर किसे कह रहे हैं आप? भिखारी तो मुझे आप लग रहे हो। ओए मसाले, इस शहर में क्या भिखारी घर में ऐसे ही घुसा दें? अरे रे क्या गजब कर रहे हो मियां तुम लोग, यार अकल नहीं है तुम लोगों को? यही तो है आशिक भाईजान में नानी वकील, नमस्ते करो इनको। अरे जिनके घर पे रहने के लिए आए हो उन्हीं को तुम लोग भिखारी की डिग्री देने पे तुले हुए हो। अरे तेल बेचने क्या नमस्ते है, कौन ये फीका शकरकंद मिस्किन, हराम घोरो, ये मंदिर की सीढ़ियां ला, मेरा घर है घर, बताया नहीं कौन हूँ मैं, हाई एडवोकेट आशिक अली, डाइवोर्स स्पेशलिस्ट। बाय द वे पेंट चढ़ा के घुस तो आयो हमारे घर में, तुम लोग हो कौन बे? जी जी जान जाओगे तो जान से जाओगे। यानी कि मतबल मर्डर है? क्यों दिमाग की उल्टी पुल्टी कर रहे हो? बहुत मोटी मुर्गी लाया हूँ मसाला मार के, हजट के मत देना, धीरे धीरे हलाल करना। क्या मतलब? अब तरह इनकी परेशानी सुन लीजिए भाईजान। क्यों, क्या मैं सरकारी शिकायती पेटी हूँ? अरे भाईजान इनको रहने के लिए घर चाहिए भाई। हाँ तो क्या कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ मैं? अब भाईजान वकील साहब, ये जो ठंडी हवेली है ना हमारी है। हवेली की कीमत कितनी है? वकील साहब बात दरअसल ये है कि इस शहर का तो हमें अंदाजा कुछ भी नहीं है, फिर भी कम से कम 6-7 करोड़ की तो होगी। क्यों भैया? हाँ 6-7 करोड़ की तो होगी, होगी। अरे मुंह से मत बताओ, पेपर दिखाओ। पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ। भाई पूरे है ना? अब देखो। चलो ये हवेली खाली करा दी मैंने, मुझे क्या दोगे? 2,00,000 है? 2,00,000 मसाले हवेली की फोटो खींच के इनसे 2,00,000 रुपए ले ले। वकील साहब निकल,
50 लाख लूंगा। हाँ बोल दो ठीक है, नहीं तो जुलूस निकालो अपना यहाँ से। लेकिन वकील साहब, इतने सारे पैसे हम लाएंगे कहाँ से? देखो, हवेली जब मिल जाएगी तो उसमें रहने वाले तो हो नहीं, बेच बाज के निकल लोगे। 50 लाख दे देना, अभी फिलहाल 2 लाख दे दो। अरे वकील साहब, अभी हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हो पाएंगे, अभी तो बस हमारे पास ये 20-30 हजार ही हैं। आप दो, आप गिनो मत। गिनने का काम तो हम कर लेंगे। देखो कायदा नंबर 1 बता रहा हूँ, रूल नंबर 1, मिर्जा साहब की 2 लड़कियां हैं, उनको पटाने पुटने की कोशिश करो, लाइन वाइन मारो, शादी तलाक तो मैं बाद में करवा दूंगा, हवेली अपने आप ही आ जाएगी, यानी कि समझ गए? वकील साहब, वकील साहब सामान कहाँ रखे? मेरा कमरा कौन सा है? ये मसाला। जी 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 भाईजान। इन लौंडो को औकात में रहे। जी ये औकात में रहो भाईजान बोल रहे हैं। और इन लोहार के दामादों को आउट हाउस में जाकर रुकवा दो। जी भाईजान। जो पहले कभी मिर्जा का हुआ करता था, जिस पर अब हमारा कब्जा है। जी भाईजान। काम तो मुझे ही करनी है ना। I'll have one black coffee। दिमाग खट 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 चलता है। अरे मियां जरा जन्नत का दरवाजा घुस जाओ। खरामा खरामा। वकील साहब ने हमें आउट हाउस भेजा था ना, ये तुम्हें कहाँ ले आया बे? ये आउट हाउस ही तो है, किस बात पे कंफ्यूज? अबे तेरे मसालों में सीलन आ गई है क्या? ये ऐसा होता है आउट हाउस है पागल? ओए मसाले, हम तीन भाई इतनी बड़ी हवेली के मालिक, इतने बड़े बाप की औलाद, तुम्हें क्या लगता है हम इस कचरे के डब्बे में रहेंगे? तो पहले बता देते, यहाँ ताजमहल बुक कर देते। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अरे नवाब साहब, मेरी बात सुनो, पूरे शहर में ऐसी मौके की जगह कहाँ मिलेगी? कोई किराया नहीं है, हवेली के करीब है, मिर्जा की हर एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं। उस मच्छर की लड़कियाँ ताड़ने की जगह इससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। सीखो इससे। क्या बात है भैया, इससे बढ़िया फ्री की जगह कहाँ मिलेगी आप लोगों को? चलो सेट हो जाओ। अब ये कौन है? त्र का पोत्र का स्थान त्रुपाई चौक दिया पासी गप्पक देना गुलकोंडी लगा चाप। अपन ने आज तक अच्छे के साथ बुरा नहीं किया और बुरे के साथ अच्छा नहीं किया। नाम आए तीली भाई, ये लाल टीशर्ट खड़े गुलाबो। आप कौन? तू कौन? जान जाओगे तो जान से जाओगे। बिरू आज दाल में जब धनिये का बघार मारा तो खुशबू चारों तरफ फैल गई। ए तुम लोगों ने सूंघी खुशबू की गूंज? डेढ़ फुटिया गूंज वाले दिमाग का दही मत करना, समझा ना? तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा, 1 टुकड़ा इधर 1 टुकड़ा उधर, बचली हड्डी हाथ में दूंगा, साला घर तक चबाते हुए जाएगा। क्या रे भाईजान, भाईजान ने आपके आदमी है वकील भाईजान ने आपकी सेवा में भेजेंगे, आज से जहीं पे रहेंगे आपकी सेवा में। अरे माँ कसम, ये वकील भी एक नंबर का डुक्कर है। अबे मेरे को भिंड बाजार से इधर इम्पोर्ट किया ये जगह कब्जा करने, और फिर बाद में 3 मुस्टंडे बेच दिए मेरी सर्विस करने। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है ब्रो। लेकिन एक बात गौर से सुन। जी भाईजान। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, एक का काम बजाने, एक का नल्ली पाए करने। क्या तो मैं वापस आऊंगा ना, तो ये जगह की हफ्तों से महीनों से सफाई नहीं हुई है, देख कचरा वचरा और फ्लश भी नहीं चलता बाथरूम का। एवरीथिंग मांगता है कैसा? कैसा? क्लीन, इसके गालों जैसा, एकदम चिंटिक नहीं गए जंटा सा। जी भाई, मैं आ रहे लाऊ पंडित बलशाली मिश्रा जी थे। अजब वकील साहब ने हमें इस शुतुर मुर्ग की सेवा के लिए भेजा है। अरे दाल में गलती से करेले का छोका लग गया था, तो इधर छोका लग गया। अच्छा है हाय कयो बलि जान हाय। क्या बता सकते हैं गुड्डू भाई कहाँ रहते हैं? साले तुम्हारे ये मजाल हमारे सरकार से पता पूछ रहे हो? गुड्डू कौन? कौन गुड्डू? गुड्डू ढोलकी, गुड्डू कसाई, गुड्डू लंगड़े, गुड्डू ढक्कन, गुड्डू कोफ्ते, गुड्डू अद्दे, गुड्डू सनकी, गुड्डू बांगड़े, गुड्डू कबाड़ी, गुड्डू डंडी मार, गुड्डू छू, गुड्डू अफनर, गुड्डू। अरे वो गुड्डू भाई है ना जो फ्रिज का काम करते है। ओ गुड्डू ठंडे, ऐसे बोलना गुड्डू ठंडे। हाँ, जाओ चलो आगे है वो। माँ का आराम खोल लगा, अभी तक सो रहे ले
मैं दुनिया भर में काम आ जाया, अबे एक कुकड़ू को एक चिकनी छिलेली मुर्गी मुर्गे की आखिरी ख्वाहिश टांग पसार के सोया पड़ा वो किचन में जा मेरे चाय बना चल जा बिद्या हूँ क्या है क्या अबे गुलाबो झाड़ू को बच्चे की तरह छाती से लगाए ला जान जाओगे तो जान से जनवा दूंगा सीधे से काम कर नहीं तो तेरे में और कचरे में फर्क नहीं रहेगा तू लेट आ रे लेट के काम कर चल दद, दद, लड़ने तैयार हो गया अबे ओ गुलाबो फटफटी क्या साफ कर ला कचरा इधर चल इधर साफ कर चल अबे छिलेली मुर्गी तू मेरे आंख पर कचरा फेंक रहा चल डब्बा उठा के उधर फेंक चल चल बे आराम खोर गुलाबो उठा चल ए, ये मेरे पे नहीं हट हट अबे तू चाय बना रहा है सुखड़े के लस्सी बना रहा है बोले आ गया मेरा बच्चा अरे तू मेरे को चाय पिलाया ना लाइफ में कभी भूखा नहीं मरेगा बिड़ो एक नंबर की चाय है बिड़ो एक नंबर की चाय चल नाच नाच जब तक मेरी चाय चलेंगी तेरा नाच चलेगा नाच सदा पे कौन न मरे खुदा कत्ल करते हैं और हाथ में खंजर भी नहीं ओ वेट हु इज देयर अजी वही नाचीज जिसका दिल अब बिल के साथ एकदम फ्री ले गई थी ओ हैरी आई सी आए ये जो इतने प्यार से आप हैरी कहती हैं ना भाई गॉड दिल जिगर गुर्दा फेफड़े सब निकाल कर ले जाती हैं कौन है गैराज वाले को फोन है ओह माय गॉड क्या 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 कह रहा है क्या आजकल ओके कैसी हैं आप मैं तो बहुत अच्छी हूँ मुझसे बेहतर कौन जानता है कि आप कितनी अच्छी हैं वैसे रहती कहाँ हैं आप ठंडी हवेली रहती है हेलो तू क्या बोलता है इसको मिलकर बोल दूँ अरे क्या हुआ ठंडी हवेली का नाम सुन के ठंडे क्यों हो गए हो से समथिंग हेलो सारा Hello. क्या हम मिल सकते हैं अरे ये तो मिलने को बोल रहा है तू हाँ बोल दे पागल है क्या हेलो सारा चल बोल दे तू क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही है मुझे तो उस काली शर्ट वाले से प्यार हो गया है नॉट अगेन जल्दी हाँ बोल अभी बुरा तो नहीं मान गई सारा हाँ हेलो आई एम हियर हाउ स्वीट हाँ तो ठीक है ना हम लोग कल मिलते हैं हाँ ओके बाय कल मिलने के लिए हाँ बोल रही है हाँ बोल कल मिलने के लिए हाँ बोल रही है इसका मतलब ये दोनों दोनों कुछ नहीं दोनों मिर्जा की लौंडिया हैं तुम लोगों ने बहुत सही जगह पे निशाना मारा बहुत क्या बात है तुम तो कम से कम सेटिंग में रहो इनसे सीखो क्या सेटिंग बना रखा है पूरा घर बना दिया है लौंडिया सेट कर ली है तुम अपनी सेटिंग नहीं कर पा रहे हो हट जी सफाई बहुत अच्छी है अरे सेटिंग करने के तो हम हेडमास्टर हैं वकील साहब तो हम भी वकील हैं भाई बस वो जालिम एक बार नजर तो मिला ले अरे नजर क्या मिला ले हवेली ना दिला दी तो वकालत छोड़ दूंगा भाईजान ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरा क्या होगा सारे मसालों में फफूंदी लग जाएगी अरे यार इससे गए ताजमहल के आगे जाके सुसाइड कर ले कम से कम मुमताज मिल जाएगी तुझे ए मुमताज के मामू तेरे को हवेली मिलने का कॉन्फिडेंशियल नहीं है कि ये चिरकुट बिचारे के मसाले की दुकान बंद कर रहा है ए गुंडे भाई साहब आप तो चुप रहो ना यार तू इधर आ मैं इधर आके खड़े रहे आ गया देख ध्यान से सुन मेरे को तीन चीज बर्दाश्त नहीं होती है ओके गर्मी एक गरीबी दो और गधा तीन समझाना लास्ट टाइम बदतमीजी के तक कान पर चाटा खाया आज ये कांटा खाएगा
चल अपनी जगह पे जा, बंदर बन के बैठ, चल। ओके। चल उल्टा बंदर बन के बैठ, चल। ये तेरे तीनों बंदर लोगों संभाल, मैं एक काम बजा के आ रहा हूँ, एक आड़े फट रहा है उसको नल्ली पाए दे के आ रहा हूँ। ये लटरम पटरम ठीक है, बताओ बात क्या हुई? ऐसी बस जनरल लोकल बातचीत चल रही थी। मतलब क्या हुई? अब फोर्स कर रही थी बार बार, मिलो मिलो मिलो। तो क्यों नहीं मिल? मिल तो ले, लेकिन इसका क्या करें? अरे यार, ये तो वक्त से पहले ही पैदा हो गया। बड़ा इंदर, नाम क्या तेरा? जींदर। अबे मसाले, इसको बोल कल कोर्ट के बाहर मुझे मिलेगा, मैं रहूंगा उधर। भाईजान को आपको कोर्ट के दरवाजे पे मिलना है। अभी सो जा, आ जा बेटा, सो जा सो जा। हाय, आई एम वीर सिंह चौहान। या पहली बार सुन, वेरी फाइन, थैंक यू। मारिया मारिया। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आई लव यू कहने के लिए। What? Are you mad? Yeah, after you. तुम मेरे डैडी को नहीं जानते हो क्या? अरे अगर तुम्हारे डैडी मिर्जा किशन सिंह जोसेफ हैं, हम भी HIV हैं। What? HIV? हैरी, इंदर, वीरू, और कहीं हम तुम्हारे डैडी को लग गए ना, तो जान से जाएंगे। You're such an idiot. Come. That means you also love me. No. Uh-huh. No. You do. I don't. Maria, I love you. I love you too. इंदर, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इंदर। इंदर, ये बैग पकड़ो जरा। हाँ जी। इंदर, तुम जानते हो हमारा हिंदुस्तान मुसीबत में क्यों है बेटा? 121 करोड़ की पॉपुलेशन में 9 करोड़ रिटायर्ड, 35 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट में, 18 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और ले दे करके ये तीनों किसी काम के नहीं है तुम्हारी तरह। 25 करोड़ स्कूल जाते हैं, वो तो कोई काम कर ही नहीं सकते। 1 करोड़ 5 साल से कम उम्र। क्या बात कर रहे हैं? 31 करोड़ बेरोजगार है, 125 करोड़ अस्पताल में पानी चढ़वा रहे, समझ रहे हो? 9,99,999 लोग जेल में है, वो तो इलेक्शन लड़ेंगे। बचा कौन? हम और तुम जी। और हमको इस हिंदुस्तान में कुछ काम करने का मन नहीं है, है? अब अकेले क्या तुम घंटा उखाड़ लोगे? हा? तो वकील साहब आप ही बताओ ना मैं क्या करूं। तुम मिर्जा जी की लौंडिया को पटा लो, देश पर भी उपकार होगा, और सुनो हवेली भी मिल जाएगी। वकील साहब, ये तो मैं कर ही लूंगा, ये तो मैं करके ही दिखा दूंगा, बस मैं करके ही आया। तो दिखाओ जी। है यहाँ आओ। हाँ। क्या नाम तुम बता अपना? इंदर। इंदर, तो बैग तो दे दो बेटा जी। ठीक है, जाओ किनारे किनारे चल जाना। वकील साहब, ये लग गया काम पे। गुलाम जीत गया, पत्ते खेलने में लगे। क्या बे, वो टेंशन में दिख रहा है बिडू? भाई बहुत टेंशन में हूँ। तो अपुन को बोलना कि अपुन किस दिन का, किसको उठाने का, किसको फोड़ने का, किसके नल्ले पाए तोड़ने का। तू खाली आवाज कर। भाई सेटिंग करनी है वकील साहब ने कहा मिर्जा की लड़की से, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है भाई। अब आप ही बताओ ना क्या करूं। भाई आपने तो एक बार मोहब्बत की होगी ना अपनी लाइफ में किसी से। भाई ए भाई, भाई बताओ ना भाई, आपको कसम है भाई, बताओ ना। अभी कसम भी दे रहा है। बताओ ना भाई। अरे बापू, तूने तो मेरी दुखती हुई नस पे उंगली रख डालेला यार। अपने को भी हुआ था भाई एक बार, इशक रोमांस लव, अपने मोहल्ले की छोकरी थी, नाम था रजिया। अपन ने उसका दिल दिल में नाम भी रख दिया था रज्जो। सुबह आती जाती थी ना भैया, तो सब देखते थे उसको। अपुन भी देखता था, लेकिन अपुन तो उसको पटाने के लिए अपुन बहुत पापड़ बेले बॉस। क्या भाई क्या? अरे क्या भाई क्या कर सकता है, उसका बाप नड़ा यार तो उसका सर फोड़ डाला, उसका भाई नाटक किया तो उसकी दोनों टांगे तोड़ डाली। फिर क्या हुआ भाई? फिर तेरा भाई जेल में, और वो साली बेवफा
जिसके लिए अपने इतने सब पापड़ बेले, एक बार जेल पे अपने मुंह पे थूकने नहीं आई यार, तो अपने इश्क का हो गया दी एंड, काय का लव हार्ट। लेकिन देख बापू, अपुन तो गिरेला पड़ेला है, तुम तो लिखेला पड़ेला है यार। सीधे एक काम कर बड़ू, जाओ उसके सामने, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलो आई लव यू। आई लव नहीं भाई, इसमें तो मार पड़ने के चांसेस हैं, कुछ और बताओ ना। तू एक काम कर, तू स्कूल कॉलेज किस दिन के लिए गयला है? चिट्ठी में लिख दिल का हाल, उसके सामने जा, उसका हाथ ऐसा पकड़, ऐसा चिट्ठी रख, बंद कर, और ऐसा प्यार से आज छू, इससे दो काम हो जाएंगे। क्या भाई? एक तो ये कि तू अपने दिल की बात भी उसको लिख के दिया, और दूसरा टच भी हो गया। बाप, थैंक यू भाई, आप तो जीनियस हो, थैंक यू भाई, लव यू। अब कौन आ गया साला, काम भी नहीं करने देता। वाह, क्या बात है, क्यों खा, कैसे आना हुआ, क्या जूते खाने आए हो क्या? अरे मजाक छोड़ ना यार, ये देख, ये ले 500 रुपए, जा ऐश कर। क्या करना क्या है मुझे? अरे तू तो बड़ा समझदार है यार, एक छोटा सा काम है। हाँ हाँ बोल बोल। ये लेटर चुपचाप से जाकर अपनी मारिया मेम साहब को दे। हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं पूरी बात समझ रहा हूँ, तुम यहीं रुको और मैं तुम्हें पूरी जवाब ला के दे ही देता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे छिपा के, ऑल द बेस्ट, बूटे से बचा के। बावा। बुला उसको। आजा आजा। लगता है बेडरूम में बुला रही है। आइए आइए, बता रही है। अरे तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, चलो ऊपर बैठो। हाँ अच्छा बरखुरदार, तुमने ये जो खत मेरी बेटी को लिखा है, ये देखो, खत उसमें बेशुमार गलतियां हैं। हाँ जी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, हैंडराइटिंग बहुत खराब है, ग्रामर का तो अता पता ही नहीं है, समझे? मेरा तुम्हें एक मशवरा है कि तुम एक टीचर रखो, फिर इस खत को दोबारा लिखो, फिर मेरे पास लाओ, मैं चेक करूंगा, फिर उस खत को इतनी होशियारी से मेरी बेटी के पास पहुंचाओ कि मेरे बाप को भी पता ना चले। उठो उठो। क्या सरकार ये? मैं इंदर सिंह चौहान आपकी लड़की मारिया से शादी करना चाहता हूँ। मतलब तुम मुझसे लड़ने आए हो? देखो बेटा, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, फिर दोबारा आना, ठीक है? बाबले हुजूर, जरा इसको छोटे पैसे दे दे, बड़ा मिस्कीन लग रहा है, लगता 2-3 दिन से खाना नहीं खाया इसने। ले लो बेटा ले लो, चाबर, शर्माओ नहीं, जा। अरे और सुनो, अगर दोबारा हवेली के आसपास दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा। इतनी जल्दी हार तो नहीं मानूंगा। ओ मारिया, आया। हेलो। ओह गॉड, ये तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट। स्टॉप इट। मैंने आपको इतने प्यार से फूल दिया और आपने सरकारी बैंक में मेरा ही खाता खोल दिया। Bloody idiot। अरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे रंग जी। बिजली भाई। अबे ओ चिरकोट, ट्रैक्टर के अंदर के अंडे दे रहे क्या? इधर आ।
इधर आ। अरे नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही। क्या? ये मेरे ट्रांजिस्टर की बैटरी चली गई लिए, वो ट्रैक्टर का बैटरी इसमें डाल के ला। चल चालू कर मेरा गाना सुनने का, चल। अरे नहीं भाई, बहुत बड़ी बैटरी है उसकी, इसमें नहीं आएगी भाई। मैं जो बोला वो कर, उसकी बैटरी इसमें डाल, इसको फिट कर, नहीं तो मैं तेरे को अनफिट कर डालेंगा। भाई नहीं, नहीं हो सकता भाई। नहीं हो सकता? नहीं भाई। चल डायरेक्ट तू गा, मुंह से गा, मुंह से गा। सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख भरे दिन आयो रे। मुबान साला, इतना बेसुरा गा रहा है महबूब खान साहब की रूह तेरे को ऐसी बद्दुआ देंगी, ऐसे लंबे लंबे कीड़े लप लपा के लगेंगे। अबे खुदा के जलील बंदे, सुर में गा ताल के साथ, नहीं तो खुदा की कसम इस वक्त तेरे को नौशाद साहब भी नहीं बख्शेंगे। चल। सुख भरे दिन बीते रे भैया, इसको कोई मारो रे। सुख भरे दिन बीते रे भैया। हेलो बेटा, तू ये गाना गागा के भाई को क्यों डरा रहा है? खड़ा हो, खड़ा हो। तुझे तो कोर्ट में होना चाहिए था ना। अबे इसको तो अपनी माँ के कोख में होना चाहिए था, कोर्ट के फाड़ रहा है। कोर्ट गया और आ भी गया। लो, अरे गया और आ भी गया, हवेली कैसे मिल जाएगी? अरे अरे वकील साहब ने केस फाइल कर दिया, एप्लीकेशन सारे सबमिट करा दिए, उन्होंने कहा है कि सामान वान पैक करना शुरू कर दो अपना, तुम 10-15 दिन में हवेली तुम्हारी। हाँ 10-15 दिन में हवेली तुम्हारी, आधार कार्ड जमा कर दिया है, कल मिट्टी का तेल मिल जाएगा। वकील साहब के तो बाप का राज चल रहा है ना, है ना? एप्लीकेशन डालते ही कोर्ट में जज साहब खट से खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे, सर आप घर जाइए, हवेली पीछे पीछे मैं भेज दूंगा। अस्मत बड़ी फूल, उस मिर्जा को देखा है ना, ये मोटा सुअर का बाल है उसकी आंख में। अरे वो मिर्जा अपनी दोनों बेटियों को ले जाकर अनाथ आश्रम में डालकर हज को चले जाएंगे, ये नहीं कहा मिर्जा ने? हाँ। ये तो मैंने पूछा ही नहीं मिर्जा का प्रोग्राम। लो वैसे तुम दोनों कहाँ थे और कौन सी हथनी की पूछ पर भाला गाड़ कर आयो? हाँ कहाँ थे? हम दरअसल आज हा? थोड़ा परेशान रहे। राइट वीरू, तुझे क्या लगा कि हम मिर्जा की बेटियों के साथ गार्डन में गाने गा रहे थे? और तुम्हें क्या लगा मैं मिर्जा की लड़की को फूल देने गया था और चाटा खाकर आ रहा हूँ? फॉलो मी जेंटलमैन, बाबले डायला। अमा मिर्जा एक शेर सुनो। फरमाइए। क्या मिश्रा है? समय क्या हुआ बेटा? समय 4 बजे हैं। 4 बजे है ना? बस यही वक्त है उसके दोस्तों के आने का। अब बैठ के आराम से शायरी कर रहा होगा। शायरी किसकी है मजाल के छूले दिलेर को? किसकी है मजाल के छूले दिलेर को? मोहब्बत में तो काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। ऐसे ही है। अब अगर तुम्हें यही करना है तो देता हूँ दूसरा शेर मिर्जा। आजा आजा मैदान में, इसका हशर करके दिखाओ तो मानू। चलो ए, चचा गालिब ने कहा है। वाह वाह, चचा गालिब ने। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, अच्छा देखिए शेर में वजन कितना है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह वाह, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेले से लौट कर गिने तो 2 बच्चे कम निकले। एक काम की बात बता रहा हूँ। तो बताइए ना। मिर्जा के सामने कभी क्रिकेट का नाम मत लेना, उसको क्रिकेट से नफरत है। क्रिकेट भी कोई खेल है? खेल है शतरंज, नवाबों का खेल, बादशाहों का खेल, हम जैसों का खेल। उसका मतलब क्या बताएं? सनकी है, पागल है, मालूम है? नहीं, क्यों? बीवी भाग गई, उस बात का अफसोस नहीं उसको। अच्छा। बीवी भागने का अफसोस नहीं उसको। फिर अफसोस किसी और बात का है। मेरी बेगम भागते वक्त ये खत यहाँ छोड़ गई थी। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, देख सकते हो, एक पेज में 16 गलतियां हैं। हैंडराइटिंग भद्दा, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर का आता पता नहीं, जेंडर तक गलत है। मिर्जा सो रही थी, मिर्जा खाना खा रही थी, बेगम वहां खड़ा था, जाहिल औरत है जाहिल। बला टली, मुसीबत जितनी दूर रहे उतना अच्छा। हुजूर, आपके लिए लव लेटर। ओए बकवास बंद कर, तेरे तो मुंह को डायरिया है। नहीं लव लेटर, ये खोल के देखिए। देखो इस व्याकरण के खिलाड़ी को
ये मिली माँ। अच्छा, कोर्ट का नोटिस। मूव मूव जी। हेलो, कब ले जाएंगे? अबे अबे हरामजादे, क्यों मेरे दिमाग का दही जमाता है रोज? गधे की औलाद तू है कौन? बता कौन है तू? रोज फोन करता रहता है, कब ले जाएंगे कब ले जाएंगे। फिकर मत कर, तेरी अम्मा को हम ही लेके जाएंगे। अबे ले जाएंगे। चलो 18वां ओवर चालू, 18वां ओवर चालू। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। लपक ली, छूट गया, छूट गया, छूट गया, छूट गया। पहली पहली और ये 18वें ओवर की 7वीं बॉल। बावले, ये क्या बावले हो रहे हैं? और मिर्जा की नजरें भी इनकी तरफ गड़ गई हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। अरे गौर से देखिए, ये अब तो बावला बना रहे हैं। मूव, पीछे से आते हुए। शाबाश, आप अपने गेंद की तरफ रखिए भैया, कंसंट्रेशन। चल 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 चल, एक मिनट अभी आ रहा है। नाड़ा खुल गया, नाड़ा। अबे जल्दी बांधना। अरे जल्दी क्या कर, नाड़ा क्या, नाड़ा बांध रहा हूँ कि पाड़ बांध रहा हूँ। चलो चलो चलो, शाबाश। मिर्जा आ रहा है, मिर्जा आ रहा है, उसकी तरफ। फिर से एक बार। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? जान जाओगे तो जान से जाओगे। शाबाश, आप अपने गेंद की तरफ रखिए भैया, कंसंट्रेशन। चल 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 चल, तेज तेज, मिर्जा भी आ रहा है। क्या कर रही है? आ रहा है। कैच कैच, आउट। मर जाएंगे वो लोग हुजूर, सारी फसल की जड़ ये मरियल कुत्ता है। अबे ओ, मैं मरियल कुत्ता हूँ? तू तो अधूरा सांड है साले। ए सुन, अगर तू सही ढंग से बन गया होता तो किसी बैलगाड़ी में जुता होता, माल ढोरिया होता। ए तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझसे पंगा नहीं लेना। मैं आशिक भाई वकील का सिगरेट ही हूँ साले। 250 साल की सजा करवाऊंगा, 7 पुश्तें जेल का सर्टिफिकेट लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती फिरेंगी, समझ गया? अबे तू क्या मुझे 250 साल की सजा करवाएगा? पहचान मुझे, पहचान। अरे मैं ऐसी बला हूँ जो अच्छो अच्छो को खेतों में खड़ा करके भुट्टो की बाल गिरवा देता हूँ। हिम्मत तो देखो इन चमगादड़ों की, मुझे अदालत का नोटिस भिजवाया है। मेरी हवेली खाली करवाओगे जंगली साले? तुम्हारे बाप ने देखी है कभी हवेली? झींगे जैसी तो जान है तुम्हारी। और काम, वाह वाह, सही जा रहे हो। चलते चलो, बहुत ऊंचे जाओगे, पहाड़ पे चढ़ जाओगे, बकरियां चराओगे। ठहर जाओ सालो जरा, अब देखना तमाशा। मैं तुम पर इतना भारी पड़ूंगा, पहाड़ बन जाऊंगा पहाड़। तुमको तो मैं ग्लूकोज पिला पिला के मारूंगा टिड्डे। रेगिस्तान के ऊंट की तरह जिंदगी कर दूंगा तुम्हारी सालो। अरे भागो, ये फिर कुत्ता छोड़ देगा। आ रहा है कुत्ता, कुत्ता। ये इंदर बाबा, तू कभी बैंकॉक गया है क्या? नहीं भाई। तो मेरे को तेरे को उधर भेजना पड़ेगा, ताकि उधर से अच्छा मसाज सीख के आवे। अरे ताकत लगा, मसाज करेंगे। किस सोच में बैठे हैं मेरे भाई? अरे कुछ सोच वोच में नहीं बैठे ले भाई, ये लोग तो ऐसा लगता है जैसे पड़ोसी के साथ इन दोनों की गर्लफ्रेंड भंटा घंटे लिए। भाई भाई अभी ना, भाई अभी ना, आप ही कुछ करो भाई। देखो भाई, मिर्जा के साथ ना सबका 72 का आंकड़ा है भाई। उस दिन मसाला भी बोल रहा था भाई जान, जिस दिन ये मिर्जा हवेली छोड़ के जाएगा ना, एक काला मुर्गा 8 नाखूनों वाला उल्टे पैरों वाला ईमान से लाकर काट कर भून कर बिना किसी मसाले के नींबू और काली मिर्च के साथ अकेला बैठ कर चटकारे लेकर खाऊंगा। अरे मसाले की बात छोड़ो, वो तो साला मसालची है। ये मिर्जा का लफड़ा है ना? हाँ भाई। मिर्जा टेंशन दे रहा है ना? हाँ। अरे सिंपल यार, अपने फंटर को बेचता उसके पास। भाई ये फंटर क्या होता है? अबे फंटर बोले तो चेला, असिस्टेंट। अबे तू इतने दिन से मेरे साथ रह रहा है, तेरे को फंटर का मतलब नहीं मालूम है?
दे काय कान के नीचे। नहीं नहीं समझ गया भाई, एकदम ओके समझ गया। मिर्जा का लफड़ा है ना, तो अपन अपने फंटर को भेजेगा, उसका जाके काम कर डालेगा मामला। भाई उसका नाम तो बता दो। पप्पू चिराटे। अबे बाहर निकल साले, अगर मैं अंदर आ गया तो लाशों के ढेर लगा दूंगा। 315 मकान पहले खाली करवा चुका हूँ, 316 ये है। लड़का आ जाओ। लो अबे बुड्ढे, ये हवेली हमारी है, अब हम यहाँ रहेंगे। अबे हट, तेरा सामान फेंकना है। ओए होए, चांद के टुकड़े, ये ले चाबियां। और सुन, कांच का सामान है, जरा संभाल के। हाँ मैं क्या तुझे चार्ली चैपलन दिख रही हूँ? के तू मुझसे मजाक कर रही है, पहचान नहीं रही? पप्पू चिराटे कहते हैं ठंडी सड़क पे रहते हैं। ओए, और दरबे में बिठा दो तो अंडे सेते हैं। कटी हुई फसल के बचे हुए ठूंठ, नए दर्जी के हाथ के मुरम्मत किए हुए पुराने कोट, डंडा मार के ठंडा करते हैं, ठंडी हवेली में रहते हैं। मिर्जा किशन सिंह जोसेफ कहते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे मिर्जा, पहचान नहीं रहे? ये देख तलवार का चिराटा, ये देख चक्कू का चिराटा, ये देख गोली का धमाका, ये देख चिराटे ही चिराटे। नहीं, ये देख, है कोई निशान? नहीं। इधर नहीं, नहीं। इधर नहीं, नहीं। इधर नहीं, यहाँ नहीं। बताए क्यों? इसलिए कि तू जिंदगी भर पिटा ही पिटा है और हमने मारा ही मारा है। बावले हुजूर, इन पर कुत्ता छोड़ दो। चलो गप्पा। आएंगे आएंगे वकील साहब, कब आएंगे? न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। बुलाऊं? हाँ भाई, क्या हो गया? वकील साहब, आज घर आने में इतनी देर कहाँ से हो गई? अरे ये सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, टाइम टेबल छोड़ो। मैंने मिर्जा के काटे का ऐसा मंत्र निकाला है, ऐसा मंत्र निकाला है, समझो मिर्जा गया बिना मांझे के। लो, ये फिर से मरवाएंगे हमें। अरे इनको छोड़ो, सुनो, इस बार पक्का है ना? फुल प्रूफ कर लें? पक्का? अरे बेटा नींद में डर गई होगी। डैडी उधर होता है, आवाज आ रही है, अब सुनिए। ओके वेट, बावले ब्रिंग माय गन। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, डर गई है ये। क्या हुआ, क्या है? अरे कुछ नहीं, कह रही है भूत 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 कुछ नहीं होता। बावले लेट्स गो, तुम इनके साथ रहो। कहाँ है? मूव योर एस बावले। क्या बच्चा, फोन की घंटिया, क्या बंदूक दिखा रहा है उधर? टपर, रात को पता नहीं किसका फोन है। अबे रुक जा, उठा रहा हूँ। मेरे बाप कौन है? कब ले जाएंगे? अबे हरामजादे, यहाँ भूत आया हुआ है, तू आ जा इधर। भूत से पूछता हूँ तुम्हें कब ले जाएंगे? सला हराम फोन, कब ले जाएंगे? Oh.
सकते हैं भाई? कोई नहीं, थैंक यू। बाबले, अरे कुछ दिखाई दिया? हुजूर, यहाँ कोई नहीं है। हाँ, नहीं है। ये कौन भाग रहा है? ए, क्या नहीं तो गोली चला दूंगा। हाँ, वो वहाँ, हाँ, उधर। चल चल चल, अरे कहाँ है? कोई भी तो नहीं है। चल पहुआ। नहीं है। चल। हे मारिया, व्हाट्स अप? वीरू, तुम डैडी को परेशान करने आए थे और तुम्हें पता है सारा कितना डर गई थी? मैंने तुमसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। रात भर बुखार था उसे और अभी तक भी वो सो नहीं पाई है। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन सर आपने डैडी की हरकतें भी तो देखो। हाँ, हमें हाल से बेहाल करके रखा है। कभी कुत्ता छोड़ देते हैं, कभी गालियाँ देते हैं, कभी लात मार के भगा देते हैं। हाँ, ये कोई तरीका है? माना कि हवेली तुम्हारे डैडी की है, लेकिन हमारे पास भी ना उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स है। व्हाट? ओ कम ऑन मारिया, इफ यू थिंक कि तुम्हारे डैड जो करे वो ठीक और हम जो करें वो गलत, ये ठीक नहीं है। यार मुझे तो लगता है तुम्हें सिर्फ अपने डैडी से ही मोहब्बत है, बाकी दुनिया गई बाढ़ में। जस्ट शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक बात कान खोल के सुन लो मारिया, मुझे भी ना तुम्हारे पीछे आने का कोई शौक नहीं, समझी? रात से हम सोच रहे हैं कि ये लड़के बड़े अच्छे हैं, चांद के टुकड़े हैं। हाँ, बिल्कुल मोर की तरह हैं। सलमान शाहरुख का मिश्रण। ओफो भैया, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, बेकार। अरे मुझे लिसन, लिसन टू मी, हेलो, लिसन टू मी। एक ही तो बहन हो मेरी, अब तुमसे मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा भला? अब रहने दो भैया, तुम्हें तो लड़कियों की फिक्र ही नहीं है। बाल सफेद करने हैं क्या उनके? एक तो वैसे ही इस हवेली में कोई रिश्ता लेकर आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो तुम अपने पागलपन और उठपटांग बातों से सबको भगा देते हो। अरे मैंने किसको भगा दिया? ओफो भैया, लफाजी और मजाक के सिवाय तो तुम कुछ करते ही नहीं हो। अरे वो जो लड़के है ना भैया, चांद के टुकड़े, कोई शरीफ खानदान के लगते है। अरे उनके माँ बाप का पता लगाओ और समझो उन्हें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मुझी? वो हमारे दुश्मन हैं, हमारी हवेली छीनने आए हैं वो लोग। चले ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ना नौकरी करते हैं ना चाकरी करते हैं, हरामखोर रास्कल्स। उनको तो मैं ऐसा सबक दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अभी तो मैंने उन्हें सिर्फ थाने में डाला है। ओह माय गॉड, थाने में? हाँ, अब देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। क्या करें, चले। हाँ चलो चलो, चल चल। अरे भाईजान, दिख ही नहीं रहा, किधर चले गए? इसके पीछे देख, इसके पीछे। अरे मियां कहाँ है? क्या हुआ? ये देखो कैसा मुस्टैंडिक तरह सो रहा है। देखो सो रहा ना, उठा, उठ 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 बेटा, भाईजान बुला रहे, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? उठा, हटा साले का, एक हटा भाईजान। टायर पंचर, इतना बड़ा रह गया ये देखो। अबे पंचर नहीं, बेच दिया साले को, हमारा ही सामान बेच बेच के हमारा ही पैसा चुका रहे वो। हाँ क्या कर रहा है भाईजान? तू ही लाया था उनको? अरे भाईजान चिमटी लग जाएगी। अरे क्या चिमटी लग जाएगी, तू नहीं बात की थी ना? अरे भाईजान मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कसम खुदा की मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे तुझे नहीं मालूम, तू ही कह रहा था रख लो। आग लगे चटिया को, सारे मसाले जलकर राख हो जाए। लोग आ गए, क्या तेरी मौत आई है? वकील साहब, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं वकील साहब। क्या हुआ, शादी के पहले ही बेवा हो गई, क्या हुआ है? वकील साहब ऐसे तो मत बोलिए प्लीज, डैडी ने उन तीनों को जेल में बंद करवा दिया है। वाह। और हम उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। बताओ, मेरी फेंकी हुई कौड़ियों में से अपने काम की निकाल ली, बाकियों में लाना? अरे नहीं नहीं भाईजान, बात तो पूरी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? खाने का नमक ज्यादा हो गया तो खाने का मजा खराब हो जाएगा भाईजान। अबे वकील कौन है, मैं कि तू? तू है? तू आप? ओ वकील साहब प्लीज, पहले हमारी बात सुनिए ना, हमारी मदद कीजिए प्लीज। क्या हो रहा है अरे मेरे दरबार के अंदर ये सब? नमस्कार,
करो अब इनसे फरियाद। क्या देख रहे लिए, आज से पहले कोई शरीफ आदमी दिखा नहीं क्या? खा जाएंगी। छी छी छी, ये ऐसे कैसे बात करता है? अरे हिंदी, यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और व्हाट? अरे इन्हें समझाइए ना वकील साहब, आप प्लीज हमारी सुनिए, डैडी ने उन दोनों को जेल में बंद कर दिया है। बंद कर दिया ना तो जाके खोल दो। अरे भाईजान ये क्या हो गया, कितना बुरा हो गया, मसाला डालने में कौन सी कमी रह गई? भाईजान आपके तीनों चेले आपकी नाक के नीचे, ये पुर्जे पुर्जे पुर्जे, उधर देखो पुर्जे पुर्जे, खाली ट्रैक्टर छोड़ दिया, बाकी सब बेच दिया। अबे पानी कम समझाए का, तुम्हें अच्छे के साथ बुरा किया नहीं, बुरे के साथ अच्छा किया ना। ए वकील, कोट पहना ना तो कोर्ट जा, और वो तीनों बंदर लोग को छुड़ा के मेरे सामने ला, ईमान से वो लोग का इधर ही टाइट फिश करता हूँ। अब बासी रोटी खा के ट्रैक्टर पे बैठ के शाहजहां बना हुआ है, बड़ा प्यार आ रहा है लंगूर को। चलो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा फ्री में, चलो। ये कौन है जो बीच में बोलता चले जा रहा है? बताऊं क्या? तू पागल है क्या? भागे से भाईजान, 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 बस आप हो तो भाईजान। I love you मसाला। I love you भाईजान। I love you। इंस्पेक्टर साहब सुबह से बंद करके रखा है, अब क्या कर दिया हमने? कौन सा जुर्म किया हमने? और हम पर इल्जाम क्या है जो लॉकअप में डाल दिया? हाँ वो इल्जाम इल्जाम छोड़ो यार, वो सब तो हम लगा ही लेंगे, बस तवा गरम हो गया है, अपनी तशरीफ के कबाब सिखवाने के लिए तैयार हो जाओ। उधरो सन्नाटे में रहना। हो जाएगा ना, पकड़ो इसे। मिल गया ना है? पेपर मिल गया ना, कंफर्म? वाह, आज का डेट जो है नोट कर लो, आज से तुम्हारा 15 अगस्त चालू। अरे भाई तलाक मिला है तुमको, चेक भेज दे। हाँ बताइए क्या तकलीफ है? पेट में दर्द रहता है, खट्टी डकार आती है, कभी कभी खाना हजम नहीं होता। वो तो मैं हजम करवा ही दूंगा। मतलब? अरे आप तो बुरा मान गए। नहीं डॉक्टर साहब। बताइए कैसे आना हुआ? ये तीन नौजवान जो हैं सलाखों के पीछे, टायर चोर, इनको छोड़ दीजिए प्लीज। अरे वकील साहब, आप तो तलाक वलाक के वकील थे, इन सब चक्करों में कैसे? अरे जिनके चक्कर में था उनकी शादी हो गई, अब उनके बच्चे मामू मामू कहते हैं, अब आप इनको छोड़ेंगे, उसके बाद ये बाहर निकल के शादी करेंगे, ये शादी करेंगे फिर तलाक लेंगे, तलाक लेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आएगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, छोड़ दीजिए ना प्लीज। अरे वकील साहब, ऊपर वाले ने जवाब को अकल दी थी, उसमें का फफूंद लग गई। अरे किसी को सलाखों के पीछे से बाहर लाने के लिए कोई चिट्ठी पत्री कागज दस्तावेज लगता है, किसी चीज की जरूरत होती है, ये आपको पता है कि नहीं? चुप चुप, बच्चों के सामने अजय देवगन बनने लग जाते हैं सर जी आप। जब आपने उनको सलाखों के पीछे डाला था तो कोई चिट्ठी पत्री कागज भीगज लिफाफा आपको जरूरत महसूस नहीं हुई थी ना? नहीं हुई थी ना? बस एक चीज और, डाइवोर्स स्पेशलिस्ट है सर, तो इस थाने से नौकरी से कब आपका तलाक हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा जी। शोभाराम। अरे डायरेक्ट कहिए ना, बंटी के बाबू। जी सर। जान दो इनको। यस सर। देख लेंगे बाद में। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। चलो दलितो मंदिर खाली करो, तुम्हारा नाम क्या? इंदर। इंदर। आपसे पूछा किसी ने? जी इंदर, इंदर। हाँ इंदर, तुम बाहर आ जाओ और चलो इन दोनों को भी ले आओ। अब बंडी के बाबूजी खोलिए। जी सर। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हमें चाय भी है। और अगर हम थोड़ी देर यहाँ रह जाते ना तो लग जाते। और अगर लग जाते ना तो जान से जाते। अच्छा शुगर मनाओ बचा के, अब बैठो, लाओ डंडा लाओ। चलो भाई सन्नाटे में निकल लो। बैठ जा भाई। कम
वीरू। अरे वीरू क्या हुआ? कहाँ से आ गया लाल दुपट्टा? तुम्हारे अब्बा क्या कर रहे थे उधर? चलो इधर। ए, क्या हो रहा है ये? शर्म नहीं आती तुम्हें? वही बचकानी हरकत। बच्चों से क्या बात करो, मुझसे बात करो। आशिक अली एडवोकेट डाइवोर्स स्पेशलिस्ट LLB फ्रॉम मार्शल आर्ट। अबे जिंदगी की आखिरी हिचकी बेवा की बद्दुआ कमीने, मेरी बेटियों को बहका रहा उल्लू। You know what you're doing? क्या? गुस्से के ढेर पर बैठकर बीड़ी मत पी, खाक हो जाएगा। अबे पुए ने समझा ले, इनका एक पैर कब्र में, दूसरा केले के छिलके पर। आहिस्ता चले, आराम आराम से दीवार पकड़ के, वरना उसी दीवार पे तस्वीर लग जाएगी तो मुझसे मत कहना। वैसे भी मोहल्ले में इनके बारे में क्या चर्चा है मालूम है? ये मरने की उम्र पार कर चुके हैं तो ठंडे रहो ना। अंधेरी रात के भयानक ख्वाब, भिखारी की थाली के आखिरी नवाले, सब जानते हैं मेरे गैराज पर तू कब्जा किए बैठा है। साले ऐसी सजा दूंगा तुझे, जिंदगी भर याद रखेगा। मुझसे मत उलझ। मैं उलझा हूँ? आपसे बड़ा उलझा तो मैंने देखा नहीं। मिर्जा किशन सिंह जोसेफ। अब्बा जो है रोजे रख रहे हैं, अम्मा जो है करवा चौथ रख रही है, और ये क्रिश्चियनिटी में लटके पड़े हुए और सिंह को पीछे दबा रखा है। गलत है ये लफाजी से कुछ नहीं होने वाला। तेरी वकालत कैसे छुड़वानी है इसकी धारा मुझे मालूम है। हेलो अंकल जी। अंकलों का तेरा बाप। दुनिया के किस धारा में आपको तलाक दिलवानी है ना, वो धाराएं तीन बार पढ़ता हूँ खाली पेट। अबे फर्जी वकील, झूठों के मुगले आजम, सारी दुनिया जानती है जिस मकान में तू रहता है पिछले 20 साल से तूने उसका किराया नहीं दिया। ऑफिस का तो पता नहीं है, दिन भर चाय के ठेले पे खड़ा होके काम करता है, फ्री के बिस्किट खाता है। अबे चूने को दही समझ के खा रहा है तू, मुंह कट जाएगा, खाना कैसे खाएगा, कान से? गेट ऑफ अबाउट टर्न। गलत है। ये मिर्जा मेरे खाने पे ही क्यों नजर रखा रहता है हमेशा? चलो कुत्ता छोड़ देते हैं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लफंगों को छुड़ाने की? आज पुलिस थाने में जाकर तुम लोगों ने मेरे फैसले के खिलाफ मेरे दुश्मनों की मदद की है, मेरी नाक कटवा दी, जलील किया मुझे, जी चाहता है गोली मार दूं। आज के बाद अगर घर के बाहर कदम रखा तो मैं सचमुच गोली मार दूंगा और कुत्ता भी छोड़ देंगे। हाँ। इन लफंगों को तो मैं देखता हूँ जरा, अभी तो सिर्फ जेल भिजवाया है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। डैड अब क्या करेंगे? चुप रहो, ये वक्त ही बताएगा क्या करूंगा। फोन दो, फोन दो, जाओ अपने कमरे में जाओ। लगा? लग नहीं रहा है भैया। अरे यार कब से ट्राई कर रहे हैं। ट्रेन 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 ट्रेन। यार वो ना हमें जरूर फोन कर रहे होंगे, और अगर डैडी ने फोन उठा लिया तो वो दोनों ठंडी हवेली में ठंडे हो जाएंगे। मिस्टर माकड़े, सन ऑफ अ गन। कब ले जाएंगे? अबे माकड़े, तेरी माँ का तेरे बाप से तलाक करवाएंगे और फिर तेरी अम्मा को ले आएंगे मेरे यहाँ, फिर मैं उनसे निकाह करूंगा। हरामखोर चमगादड़ की औलाद, मादर उल्लू का पट्टा, बाकी मिलने पे। रुको रुको रुको, कौन हो, किससे मिलना है, किसने कहा आने को, कितनी देर यहाँ रुकोगी, कुछ खाना वाना तो नहीं खाओगी ना? वैसे तुम्हारी सूरत और शेर देख के लगता है घर का पूरा सारा रेशन तुम ही खाती होगी, मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा। बावले, हाँ? मैं ऋतु। कौन सा ऋतु? बारिश का ऋतु, ठंड का ऋतु, गर्मी का ऋतु, कौन सा ऋतु? ऋतु सक्सेना। ऋतु सक्सेना, हाँ ऋतु सक्सेना, जो मैं बचपन में तुम्हें गोदी में खिलाता था, अब तो मैं सारा और मारिया से मिलने आई हूँ। नहीं मिल सकती। क्यों? सरकार ने सारा और मारिया से मिलने से मना किया है। बावले, ठीक है 5 मिनट के लिए मिल सकते हो। जाओ, तुम सारा और मारिया से मिल सकती हो। थैंक यू मामू। हेलो, जरा सुनिए तो। वाओ। यस। आपका बोनेट खुला है क्या? बोनेट बोनेट। You are mad. अरे अपने कद से थोड़ा ऊंचा सोच। आपके सरकार बुला रहे हैं। जूर। अरे आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। ईमेल कर सकते हैं, पर इंटरनेट कहाँ है हमारे पास? हाय। अरे ऋतु, मोबाइल आ गया। What? कहाँ हो यार? चल तू। ये बावला बावला हो गया है क्या? जल्दी जल्दी मोबाइल का। इतने दिन से मिस्ड यू यार। मोबाइल चेक कर उसका। बस क्या कर रही है? ये मोबाइल क्यों चाहिए? साली भुलक कर तू फिर से अपने मोबाइल का बिल पे करना भूल गई। फोन छोड़ो, ये बताओ तुम लोग हो कहाँ इतने दिन से यार? हाँ यार पूछ मत, बहुत प्रॉब्लम है। अरे ऐसी भी क्या प्रॉब्लम हो गई यार? यार एक्चुअली में हुआ क्या है ना, तू हैरी एंड वीर को तो जानती है ना? या ऑफ कोर्स, तीसरे भाई को भी जानती हूँ। शट अप यार, हमारी प्रॉब्लम सुन। तो ना डैडू को पता चल गया हमारे बारे में, उन्होंने हमारा मोबाइल इंटरनेट सब ले लिया यार। प्लीज यार उनको ना बस एक मैसेज कन्वे कर देना, हम लोगों से सिर्फ एक बार मिल ले बस, है ना? लेकिन उन्होंने मिलने के लिए बोला तो हम मिलेंगे कैसे? एग्जैक्टली घर से कैसे बाहर निकलेंगे? और डैडी को मालूम चल गया तो मार ही डालेंगे। तो क्या करें, कुछ आइडिया देना यार। मुझे अपनी मुझी तो है, उससे पूछ लो। करेक्ट। हाँ चलो चलो जल्दी करो। ए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैंने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना। क्या है भैया, क्यों लड़कियों को परेशान करते रहते हो? तुम्हें तो कोई दूसरा काम है नहीं, कभी इस पर चिल्ला दिया, कभी उस पर चिल्ला दिया,
कभी इस पर गोली चला दी, कभी उस पर कुत्ता छोड़ दिया। ये मेरे साथ जा रही है, कोई परेशानी है? तुम्हें पता है कि बस बस रहने दो, मुझे मत समझाओ। तुम यहाँ बैठकर कुत्ता छोड़ो और ये मेरे साथ दरगाह जा रही है। चलो लो, आ गए चांद के टुकड़े। जी है? चांद के टुकड़े, ये दोनों? जिस शराफत से तुम शर्मा रहे हो ना, इतने शरीफ नहीं हो तुम, समझे? सब जानती हूँ मैं। बोलो क्या करे तुम्हारे लिए? हाँ, अगर आप शादी के लिए हाँ कर दें तो घर बस जाएगा हमारा। हाँ? ये भी खुश और हम भी खुश। कमाल है, एप्लीकेशन मैंने लगाई, नौकरी ये दोनों करेंगे। खैर हरामी है तो क्या हुआ, भाई है अपने। बेटा अंदर तू अपने लिए दूसरी ढूंढ ले। अच्छा तुम में ऐसे कौन से सुरखाब के पल लगे जो मैं इन बच्चियों का हाथ तुम जैसे निखटुओं के हाथ दे दूं? हाँ जी। जी नहीं, पहले अपने आप को इतना काबिल बनाओ तो फिर किसी के सामने इस तरह सर झुकाना ना पड़े, समझे? चलो, अरे चलो चलो। रखवाला रे तू, सबका रखवाला रे, सजदों ने तुझको पुकारा रे, सजदों ने तुझको कर दे, तेरी रहमतें अता कर दे, तेरी रहमतें अता कर दे, तेरी रहमतें अता कर दे, मुझे बेबसी से रिहा कर दे मौला रे। मौला 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 मेरे मौला 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 रे।
बस एक जिक्र तेरा, दिल बावजू है अब मेरा। दुनिया में महके खुशबू तेरी, आलम में महके रौनक तेरी, हर जर्रे में है निकहत तेरी, ओ मेरे मौला। मेरे मौला मौला, मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे, मेरे मौला मौला, मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे। तू भटका हुआ हूँ मैं मौला, मेरी राह को मंजिल अता कर दे तू मेरे आ मौला, रहबर तू ही तू चारागर तू ही तो है मेरा आका, मेरी खुशी मेरी तड़प तुझसे छुपी नहीं दाता। अरे माता रानी, जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या भैया तुम लोग मंदिर की सीढ़ियों बैठे बैठे मजे ले रहे हो, और तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मेरे पैर वेर फिराई हो चुके हैं। है क्या हो गया है? तुम्हारी तो दुनिया ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, सारे मसाले खत्म हो गए। ए सुनो सुनो सुनो, मैं ना लाल मिर्ची के साथ में धनिया का पाउडर मिलाकर जायकेदार बड़ा खुशबूदार मशवरा दे रहा हूँ। ना बाढ़ के पानी के बच्चों में पत्थर, साले दोबारा हमें मशवरा देने की कोशिश भी मत करना, समझा? तेरे और तेरे वकील के मशवरे सुन सुनकर हम जेल की रोटियां खा कर आए हैं। बाढ़ के पानी से धुले हुए पत्थर जेल सरकारी आवास को बदनाम कर रहा है। सारे टेस्टी मसाले तो जेल मिलते हैं, मुझको समझा रहे हो तुम? जेल में आदमी आए रोटी खाए, ये खाए वो खाए, तड़का खाए, जाओ मर्जी वो खाए, नमस्ते बारे जेलर को, और जहां मर्जी वहां घूमे, ये पता नहीं बिल्डर। सॉरी भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसा वक्त आया है कि हमारे पास पैसे भी नहीं है। यार हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी वक्त आएगा हमारा कि हम पैसे पैसे से मोहताज हो जाएंगे। हे तू फिक्र क्यों कर रहा है, मैं हूं ना, और दिस इज लाइफ फिरू, होता है सबके साथ होता है, तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे भैया वो फोन आ रहे हैं बार बार यार, उसके वो कर्जे वाले के 50 फोन कर चुका है सुबह से। आई नो। कौन फोन कर रहा है? कर्जे वालों के फोन आ रहे हैं और हवेली का कुछ अता पता नहीं है। भैया
ये इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? ये तो अपने अपने हुनर की बात है। अब कौन से हुनर की बात कर रहा है कि मिनी बस में चल रहा है कि जेब काट रहा है? सालो मुस्टंडो, थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी कर लो, कहीं बर्तन बर्तन धो लो, ये छुट्टे सांड की तरह घूम रहे, कहने का मतलब है नौकरी वोकरी कर लो। अरे जिंदगी भर कोई नौकरी नहीं की, हमें जॉब कौन देगा? अरे भैया, हमारे हमारे पास तो हमारी सर्टिफिकेट भी नहीं है यार, बिना सर्टिफिकेट कौन नौकरी देगा? सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई एक काम करो, इकबाल भाई से मिल लो। हम, ये इकबाल भाई कौन है? अरे मैं जिस खुरचानिया बिस्किट फैक्ट्री में काम करता था ना, इकबाल भाई वहाँ का मैनेजर था, ऐसा मसाला तड़का मारे, ऐसा रात दिन इकबाल भाई खिलाता था, मेरा तो बहुत बड़ा फैन है फैन। वो सीधा जीएम साहब से बोलेगा, जीएम साहब पक्का तुम लोगों को नौकरी दे देगा, चिंता किस बात की है? पक्का पक्का। आइए सर। थैंक यू। आइए आइए, प्लीज कम सर, आइए। सर आपको आपकी नौकरी का पहला दिन मुबारक हो सर। थैंक यू मिस्टर विनोद। लीजिए सर, अपना काम शुरू कीजिए सर। मिस्टर विनोद, क्या है ये? तराजू है सर। आई नो, पर ये आपने मेरे हाथ में क्यों दिया है? बताता हूँ सर। अरे मिस्टर विनोद, एक्सक्यूज मी, मुझे सर एक मिनट दीजिए सर, एक मिनट। मिस्टर विनोद, ये दो हैं। एक मिनट, एक फॉलो मी सर। मिस्टर विनोद सुनिए। आइए सर। सर सर, मैं आपको एक मिनट में सारी बातें समझा देता हूँ सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। सुनो बे, अपनी अपनी रोटियां निकालो और तुलवाना शुरू करो। आज से नए साहब आएंगे, और सुनो अब यही आएंगे। ये क्या चक्कर है, मुझे फकीरों से रोटियां खरीदनी है? मुझे तो कहा गया था कि मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है। हा? सर आप इतने बड़े अफसर हैं सर। हाँ। फिर भी आपको कुछ नहीं पता सर? व्हाट? यही तो हमारा रॉ मटेरियल है, ये रोटियां। ये रोटियां, यू मीन हमारा रॉ मटेरियल? जी सर, हम इन भिखारियों से रोटियां खरीद कर खुरचानिया बिस्किट कंपनी को बेचते हैं सर। लेकिन देखो भाई, अपनी अपनी रोटियां निकालो, और चार दिन पुरानी तक हम खरीदेंगे, और फफूंद वफूंद लगी हुई नहीं लेंगे, समझे? चल बे। तीन किलो, इन्हें 3 रुपए दे दीजिए। साहब जी, ये तो 3 किलो 200 ग्राम है, और आप 3 ही किलो के पैसे दे रहे हो। अबे 200 ग्राम का तो तेरा झोला होगा। ये तो 1,700 रुपए मानिए, आप तो पहले वाले अच्छे थे। अबे क्या सुबह सुबह धंधे की ऐसी तैसी कर रहा है, काम करना है तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। हम भी पिछले 3 साल से इस धंधे में, हमें भी किसी की सुनने की आदत नहीं है। अबे तू फकीर है फकीर, औकात में रह, चल। अरे साहब जी, हमसे ना उलझो, हमसे उलझोगे तो रोटियाँ कौन देगा, और बिस्किटे कैसे बनाएंगे, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, और आपको भी हमारी तरह भीख मांगने आना पड़ेगा। आप आइए सर, हट रहे, आइए सर, फॉलो मी सर, मैं आपको सब बता दूंगा, आइए प्लीज फॉलो मी सर। अरे आगे आपने शेर बाप, क्या बात है या? और भैया कैसा रहा आज का दिन है? अच्छा ना, अच्छा रहा एकदम। अरे अच्छा ही जाएगा ना यार, दिन भर अच्छे अच्छे लोगों में, बड़े बड़े लोगों में उठा बैठा आएंगे, इसमें टोकिंग क्या आएगा, एक से एक माकड़ी यहाँ से वहां गई। बाप तू आप उनका बच्चा है क्या? कभी भी कोई टेंशन देवे, धोस में लेने की कोशिश करेंगे ना, आप काट डालेगा ऐसा, अपन डरना भी नहीं, किसके भी धोस बीस में आना नहीं। हम तो उन लोगों को रोटियां कौन देगा, और बिस्किटे कैसे बनाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, और आपको भी हमारी तरह भीख मांगने आना पड़ेगा। 3 किलो नहीं भाई नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है भाई, सब अच्छे लोग थे भाई। भाई मसाले से बात करो ना, मेरी भी नौकरी लगवा दो। तू काय को नौकरी करेगा बे? मैं तेरे को नौकरी दिलाएगा। भाई आप कौन सी कंपनी? अबे तेरी कंपनी गई भाड़ में, पीली भाई की कंपनी, टीवी कंपनी में काम करेगा बिडू, नोटों के डल्ले ही डल्ले गिरेंगे। कैसे कैसे? तेरे को किसी को टच नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है बिडू, खाली हाथ पाँव तोड़ने का है, किडनैप करने का है, रैंसम मांगने का है, फोन पे पैसे पैसे, जगह नहीं देंगे रहने को। भाई पर ये कैसे काम हुआ? अबे यही तो काम है, बोले तो एम काम बी काम सब ना काम है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को काम नहीं दिला सकता, मैं गरीब आदमी हूँ, पूरे दिन कचहरी में रहता हूँ, 5 रोटी मिलती है, 5 ठीक है, 3 इसको खिलाता हूँ, 2 खुद खाता हूँ, समझ रहे हो? बस माफ कीजिएगा, बड़े बाप की औलाद। बड़े बाप की औलाद, मैंने काम करना सीख लिया है, और अब इन लोगों को भी काम करना सीखना पड़ेगा।
अरे तो भाईजान काम तो आप दिलवाएंगे ना, उसी के लिए तो आए हैं। तीनों का मसाला डाल के गाजर मूली धनिया टमाटर छड़का। तरकारी की औलाद, ये तरकारी की औलाद चुप हो गई ना तो पूरा घर चुप हो जाएगा। एक मई तो रटू तोता हूँ जो भाईजान भाईजान करके पीछे पीछे दौड़ता रहता हूँ, वरना तो गली का कुत्ता यहाँ जूठा खाने तैयार नहीं होता। बात करते हो चुपचाप। महिला त्रिपाठी निमोनिया भोजला ने फोन कीजिए, इनकी नौकरी का इंतजाम कीजिए। चुप। कल चूना भट्टी वाले के पान वाले के पास जाके महिला त्रिपाठी निमोनिया भोजनालय का एड्रेस पूछ ले, नौकरी मिल जाएगी। मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे। कब ले जाएंगे? अरे मेरे भाई, मेरे चचा, मेरे मामू, मेरे अबू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ यार, इसको जोड़ दे। कब ले जाएंगे? कब ले जाएंगे? आराम। और साले इतने कुत्ते छुड़वाएंगे, घुटने छिल जाएंगे, अब्बा चिल्लाएंगे, नरक में जाएगा साले, दोजक में जाएगा, कमबख्त तेरी बाग। साले मुझसे अड़म पे कुत्ता छोड़ता है वकील साहब। हाय हाय, ये मजबूरी, ये हवेली और ये चूरी। वकील साहब क्या है? थैंक यू सो मच। किस बात का बे? अरे वकील साहब, हम लोगों को भी नौकरी मिल गई और छोकरी भी, इन दोनों को। तेरा नाम क्या है? इंदर जी। इंदर ऋतु मिली कि नहीं मिली? मिल गई वकील साहब, मिल गई। फिर क्या? थैंक यू। छोकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। वैसे भी कोर्ट का फैसला तुम ही लोग के तो फेवर में आ रहा है। कोर्ट का फैसला तुम लोगों के फेवर में आ रहा है, जीएस करो फिर। तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, ठंडी हवेली के मालिक ये दोनों ही पार्टियां नहीं हैं, इसलिए ये केस खारिज किया जाता है और इन दोनों पार्टियों पर अदालत का वक्त जाया करने का मुकदमा चलाया जाए। अरे रुक क्यों गए यहाँ, क्या हुआ? अब क्या होगा वकील साहब? हम हाई कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ेंगे ग्लूकोज पी के। केस किस पे लगाओगे ग्लूकोज पी के? यार अजीब पंगा है ये हवेली, ना तो हमारी निकली और ना मिर्जा की। ये डैडी ने पता नहीं कहां फंसा दिया यार हमें। अरे यार ये हवेली है किसकी? हजूर हजूर तीन लंगूर। मिर्जा साहब, हवेली तो आपकी भी नहीं है, फिर इतनी खुशी, इतना जश्न, आपके कुत्ते की शादी का रिसेप्शन है क्या? बच्चे ठंडी हवेली। ठंडी हवेली तो मेरी है। मुझे पता ही नहीं जो हमारे नाक के नीचे ये लोग सट्टा बट्टा खेल रहे हैं। घबराओ नहीं, मुझे मालूम है हवेली तुम्हारी है, हम दोनों मिलके रहेंगे। आजा मेरे बच्चा। ओ हाँ, हम सब भी तो तुम्हारी हैं। लो आ गए मेरे हमदम, मेरे दोस्त। आधा वर्ष है डैडी जिंदा है। क्या दिमाग का नहीं हो गया? डैडी सुधर गए। अरे डैडी बिल्कुल फुल सुधर गए, अब ये नकारा नहीं रहे। इन तीनों गधों को मैंने असली नस्ल के घोड़े बना दिया। अच्छा, मैंने कहा था ना ग्लूकोज पिला पिला के मारूंगा, रेगिस्तान के ऊंट की तरह जिंदगी कर दूंगा, कर दी। ये तो तुम मुझे रोज ही बताते थे। डैडी ये सब क्या है? मैं मरा नहीं था, वो तो मरने का एक नाटक था। प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी। मिर्जा साहब, वकील साहब, ये सब प्लानिंग थी आपकी? हाँ। अरे मकान मकान, वहाँ हवेली हवा हो गई, तुम मकान में दांत गड़ाए बैठे,
जा जाके मेरा ब्रीफ केस रख दे वहाँ। कहाँ फंस गए हम? ये ध्यान से सुनो रे बाबा, मेरे बच्चों जिंदगी में 5 चीजें हैं, रिश्ते, नौकरी, कोर्ट, पुलिस चौकी और गुंडे। इन 5 लोगों से अगर आपका पाला पड़ा तो आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, वरना नहीं खड़े हो सकते हो। अपुन ये छाती ठोक के बोलता है कि अपुन ने आज तक अच्छे के साथ बुरा नहीं किया और बुरे के साथ अच्छा नहीं किया। नाम है चिली और मैं मसाला, खड़ी मिर्च, लाल मिर्च, पिसी मिर्च, जीरा, धनिया, खड़ा धनिया, बैठा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, सबको एक ही हड्डिया पका रहा था। तुम लोगों को आज तक इसकी बदबू तक नहीं आई? अब चलो भाई, मेरा काम तो खत्म हो गया, अपने अपने घर चलो। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, आपकी अमानत है यहाँ। अरे आप अपने 3 देवताओं को ले जा रहे हैं और इन 3 देवियों का क्या करूँगा मैं? आइए आइए, आओ बेटा आओ। इन्हें भी मैं ले जाऊंगा, चलो मेरे साथ चलो। अबे कब ले जाएंगे? अरे कब ले जाएंगे? अरे तू था और इस तरह ईश्वर सिंह चौहान ने अपने 3 नालायक बेटों को सुधारने के लिए जिंदगी के तमाम सख्त रास्तों से उन्हें गुजार कर एक अच्छा इंसान बना दिया। अब ये गर्व से कह सकते हैं कि इस देश में बाप होना पाप नहीं है, कम से कम ईश्वर सिंह चौहान के लिए। अब इस देश के बाकी बाप तय करें कि उनके लिए बाप होना पाप है या नहीं। शॉट लगती है बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट। फ्रॉक पहन के शॉट लगती है बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट। इश्क में पास कर हो गया बेलगर, दिल मेरा न कर ले सुसाइड कहीं। चल जा मेरे करना दिमाग का दही। तेरा हुआ रे बीमार, किया दिल को शिकार, तेरी चाल है कमाल, तेरी बातें हैं धमाल। अरे मजनू को अपने देख सही, चलियो ना कर तू दिमाग का दही। ऑनलाइन फॉलो करते कबूतर, ट्वीट लाखों करे ऑन ट्विटर। म्यूजियम में रखी तू वन एंड ओनली, लाइफ तेरे बिन लगे कितनी लोनली। लॉलीपॉप ना दे, प्यार का जॉब दे, मम्मी डैडी ना रिश्ता लगा दे गई। चल जा मेरे करना दिमाग का दही। चले चल जा मेरे करना दिमाग का दही। मेरा स्पाइसी फिगर जैसे गंगा ट्रिगर, यू लग लेना से मेरे चला जाए कहीं। चल जा मेरे करना दिमाग का दही। चल जा मेरे करना दिमाग का दही। फिदा तू लड़की है या कोई बला, तुझे देख के दिल यूं मेरा जला जैसे कोई जलता शोला। ओवर स्मार्ट बनना रोमांटिक, तू है टुच्चा गिरी मैं फंटास्टिक। ब्रेकिंग न्यूज है तेरी जवानी, वॉच तो आए सुनामी। रखना बेट पे लेके चल डेट पे, तुझे ऐसा मिले
साइड कहीं। अरे चल जा मेरे।